गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियो अगेन। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे और मार्केट में प्रॉफिट बना रहे होंगे। गाइज आज जिस कॉइन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हो तो डेफिनेटली उस कॉइन का नाम आपको पता है और आपने वीडियो का थंबनेल भी देख लिया होगा। उस कॉइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि आपकी बेस्ट एंट्री कौन सी हो सकती है उस कॉइन में, तो इस बात को आप नोट करिएगा। देखिए स्पॉट पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी रिस्की होता है स्पॉट पे। तो मैं आपको एक बाय जोन बताऊंगा, उसी बाय जोन पर आप उसको बाय करिए, सबसे अच्छा है। वरना उसके अलावा आप करेंगे तो डेफिनेटली अगर वो हमारे बाय जोन तक चले जाता है और अगर आपने स्पॉट पर बाय करके रख लिया तो आप लॉस में कहीं ना कहीं चले जाएंगे। टिप टू ये है गाइस कि कभी भी एक कॉइन पर इन्वेस्टमेंट पूरा मत करिए, डिवाइड करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो का यूज़ करिए। तो स्पॉट पे बाइंग नहीं करनी है, आपको एक लेवल बता रहा हूँ वहीं पे आपको बाइंग करनी है। दूसरी बात ये है कि गाइस आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो एक कॉइन में डालना ही नहीं है। देखिए इतने सारे कॉइन्स हैं मार्केट में, अलग अलग डिवाइड करके डालिए ताकि एक अगर लॉस में जाता है और दूसरा प्रॉफिट में जाता है तो आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस कर पाएं। अगर आप सारा इन्वेस्टमेंट एक ही कॉइन में डाल देंगे और वो अगर फॉर एग्जांपल एक ऑल्ट कॉइन के लिए 10% गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 10% गिर जाता है तो डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो है वो सीधा 10% सीधा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रिस्की काम है। तो कभी भी अपना पोर्टफोलियो एक कॉइन में इन्वेस्ट ना करें, ठीक है? और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तभी इस कॉइन को आप होल्ड करें। वैसे उस कॉइन की जो कह सकते हैं फंडामेंटली, और आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसा कॉइन है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, और डेफिनेटली वो कॉइन मुझे लगता है मेरा खुद का पोर्टफोलियो उसमें काफ़ी है, अच्छा अमाउंट में मेरा पोर्टफोलियो है और मेरे को डेफिनेटली लगता है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो सीधा चलते हैं कॉइन की तरफ। उससे पहले गाइस अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं समझते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके लिए आए तो आप मिस ना कर पाएं। गाइज हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, ठीक है? अब सीधा मैं आपको डिस्प्ले पर लेके चलता हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज कर लेते पहले। हाँ देखिए मैं इस कॉइन के बारे में आपको बाय जोन भी बताने वाला हूँ एज वेल एज अपना इन्वेस्टमेंट इसमें पूरा मत डालिएगा। गाइज ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रीज़न एक है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट मार्केट की अपडेट आती रहती हैं। आप देख सकते हैं ये जितने भी आप पोस्ट देखेंगे ये सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर है, ठीक है? तो आप जाके ये देख सकते हैं, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट की तरफ। मैं किस कॉइन के बारे में आपको बता रहा हूँ, उस कॉइन का नाम है BNB, बाइनेंस का कॉइन है। सबसे पहली बात तो देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। ट्विटर पे अगर आप इन्हें देखेंगे जो बाइनेंस के CEO हैं, जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है भारत में और पूरी दुनिया में बाइनेंस, उसके जो CEO हैं CHZ बाइनेंस, ठीक है? इनके आप ट्वीट देख सकते हैं, रेगुलर टॉक करते रहते हैं BNB के बारे में। जैसे कि BNB इन अ डिप एट $620, यानी कि BNB अभी भी कहीं ना कहीं एक डिप में है $620 से नीचे। लेकिन मैं आपको एक बैंक जोन बताने वाला हूँ, उसी पर आप बाय करिए तो आप काफ़ी अच्छे, डेफिनेटली एक काफ़ी अच्छे रिटर्न में आप यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? अब मैं BNB की तरफ आपको ले जाता हूँ और BNB में मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। ये हमारे सामने BNB का चार्ट है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बाय कहाँ पे करना है। सबसे पहले मैं आपको जोन बता देता हूँ, आपको बाइंग कहाँ लगानी है। अगर आप गाइस बाय करना चाहते हैं BNB को तो डेफिनेटली आपको करीबन, मैं जो आपको एक लेवल बता रहा हूँ, करीबन आपको मेरे हिसाब से 520 के करीब, 520 से लेकर 550 का जो लेवल है इसके बीच में आपको ये कॉइन जो है बाय करना चाहिए फॉर दी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा जैसे डिप मारे या करंट पे भी आप इसे बाय कर सके रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं आपको एक अच्छा बाय जोन बताऊं तो डेफिनेटली हम 522 से लेके 550 के बीच में
इस कॉइन को डेफिनेटली देख सकते हैं, यहाँ तक हमारा ये कॉइन आ सकता है, यहाँ से अच्छी रैली ले सकता है। और बाइनेंस का कॉइन है और एक्सचेंज का कॉइन है, आप सभी को पता है जो गाइस एक्सचेंज की कॉइन है वो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली आगे भी दिखाने वाले हैं मार्केट में। तो चाहे तो आप स्पॉट पे इसे बाय करके रख सकते हैं। और एक लेवल गाइस हमारा ये है 527 से लेके 550 का जो लेवल है, इसके बीच में आप इसे बाय करके रखिए। डेफिनेटली मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें एक अच्छा रिटर्न देखने के लिए मार्केट में कहीं ना कहीं मिल सकता है। एक रीज़न ये है कि यहाँ से थोड़ा सा डाउन आ सकता है कॉइन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप हमें दिख सकते हैं, जैसे कि ये है एक टॉप, ये एक टॉप है और ये एक टॉप है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रिपल टॉप देखने के लिए मार्केट में मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको अगर बाय लगानी है तो आप जो लेवल में मैंने आपको बताया उसके लेवल पे आप बाय करिए। डेफिनेटली आप इसमें प्रॉफिट लेके ही निकलेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप इसमें रखिए, डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो रखिए, क्योंकि बाइनेंस का कॉइन है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न ये आपको डेफिनेटली देगा। तो गाइज अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।